ये है हमारा रूम कैम्बियन दीना पानी में, और रूम से कुछ ऐसा व्यू मिलता है आपको। बाहर पहाड़ है और पूरी ग्लास विंडो है, और बालकनी से और बढ़िया व्यू आता है। ये पूरा व्यू है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल बैकपैकर ब्लॉग में। आज है हमारी ट्रिप का तीसरा दिन, और इस समय हम हैं दीना पानी के केम्बियन रिजॉर्ट में। और यहाँ पे पीछे देखिए पूरा माउंटेन व्यू है। अभी जैसा कि जुलाई का मौसम है, तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले सारे बादल आ गए थे और पूरा छुप गया था, और अभी बादल हटे हैं थोड़ी देर पहले ही, तो अभी नीचे के व्यू क्लियर हुए हैं। एकदम शांत माहौल है यहाँ का, केवल चिड़ियों की आवाज़ें, जंगल और कई तरह की वैरायटी की बर्ड्स यहाँ पे दिख रही हैं इस समय। तो बर्ड वॉचर लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, तो बढ़िया बढ़िया टाइप की बर्ड्स भी दिख सकती हैं। अभी आपको दिखाते हैं पूरा व्यू कैसा है यहाँ का। और यहाँ पे स्नो कैप्ड माउंटेन्स भी दिख रहे हैं। ये जो पहाड़ पे वाइट दिख रहा है, ये बर्फ है। ये है हमारी बालकनी, ये रूम, ये है रूम से बाहर का व्यू। इस रूम में केम्बियन के हिसाब से टीवी बहुत बड़ा दिया हुआ है। सामने है टॉयलेट, ये भी बढ़िया है, नीट एंड क्लीन। शॉवर, गीजर, वेस्टर्न कमोड, और सबसे बढ़िया चीज़ है ये व्यू, जो आपको रूम से ये व्यू मिल रहा है। ब्रेकफास्ट के लिए पापा के पराठे लेस ऑयली हैं क्या? ऑयली रोटी टाइप। ये है सुबह के समय दीना पानी के एम्बियन के पास के नज़ारे। ये प्रॉपर्टी थोड़ा ऊंचे पे है और दोनों तरफ इसमें खाई है। जैसे आप इधर नीचे देखेंगे, यहाँ भी बादल आए हुए हैं, और जैसा कि रूम में दिखाया था वहाँ पे भी बादल हैं। अभी है जुलाई का मौसम, पर यहाँ पे मौसम ठंडा हो गया है, जिसकी वजह से मुझे पहनना पड़ गया है जैकेट। ये सामने है रिसेप्शन, और ये है यहाँ की पार्किंग। काफ़ी बड़ी पार्किंग है, काफ़ी गाड़ियाँ आ सकती हैं। ये है नीचे के डिलक्स रूम, जिनसे हमें ये पार्किंग के साथ रोड का व्यू मिलता है। और ऊपर वाले हैं सुपर डिलक्स रूम, जिससे रोड और उसके पीछे का व्यू मिलता है। अभी दिखाते हैं आपको। रूम सारे एक जैसे ही हैं, बस ये है कि ऊपर से एक फ्लोर ऊपर है, तो इधर आपका थोड़ा सा व्यू बेटर मिलता होगा। बाकी पीछे का व्यू तो लगभग सेम ही है, कोई इतना ख़ास फर्क नहीं है, क्योंकि नीचे ऐसी अच्छी खासी खाई है। अभी हम केम्बियन से चल रहे हैं, दीना पानी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, यहाँ पे और क्या क्या ऑप्शंस हैं। इधर के नज़ारे, ये अपना केम्बियन, पहाड़ी रसोई, फिर है कसार किचन, ये है कसार किचन। ये है दूसरी साइड का व्यू, केम्बियन के दूसरी साइड। रोड ये ऊपर गई है, यहाँ पे भी कुछ कैफेज वगैरह हैं,
और कुछ होम स्टे भी है, ये ऊपर भी कुछ है, कुछ कैफे टाइप का है। अब यहाँ से एक रोड ऊपर गई है, इसमें कसार हिमालया हॉलिडे होम ये है। आगे से यू टर्न लेके आते हैं, आगे से देखते हैं ऊपर वाली रोड में क्या क्या है। कसार हिमालयन हॉलिडे होम। ये रिसेप्शन एरिया, मॉर्निंग का व्यू। डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया से व्यू। और ये बालकनी, गौरी को लेके आओ बालकनी में। पहाड़ में भी घर होना चाहिए, ऐसी जगह जहाँ इतना अमीर हो कि एक महीने के लिए हमको, और है ना, पैसे की कोई चिंता ना हो और हम यहाँ पहाड़ों में आके रुके, रिफ्रेश हो, उसके बाद जाए 11 महीने काम करने के लिए। कि मैं तो 12 महीने इस काम कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर ये हट्स टाइप की भी हैं, पर ये अभी अंडर मेंटेनेंस है, तो ये अभी अवेलेबल नहीं है बुकिंग के लिए, पर ये भी होती तो अच्छा व्यू मिलता है यहाँ से। ब्लू विसलिंग थ्रश, ब्लू विसलिंग थ्रश। झुंड देखो, अरे एक सेकेंड, अरे ये लार्ज बिल्ड जंगल क्रो होगा भाई। कितने बड़े पंख हैं इसके, तो ग्लाइडर की तरह जा रहा है। ये क्रो नहीं है या क्या है, एक सेकंड लग रहा है यार, ये पंख है इसके। ये तो किसी को उठा के ले जा सकता है। दिस पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज बर्डिंग पैराडाइज, बर्डिंग के लिए बहुत अमेजिंग है यार। ये यार मैं समझ नहीं पाई, ये लार्ज बिल्ड जंगल क्रो था या फिर ईगल था। ये है नीचे घाटी में घर, स्नो कैप माउंटेन यार, दिख गए। हाँ जल्दी देखो, बिना पानी से व्यूज कौसानी से कम नहीं है। और यहाँ अलग बात यह है कि दोनों साइड माउंटेन व्यूज हैं और बर्ड्स यहाँ ज्यादा हैं, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बगल में होने की वजह से। 11:30 बज रहे हैं और हम निकल लिए हैं KMVN बिना पानी से जागेश्वर के लिए, लेकिन अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे गोलू देवता मंदिर है आगे, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गेट के पास, तो वहाँ से भी वापस इधर ही होके जाएंगे। तो आपको यहाँ तक आए तो ये मंदिर भी देखना बनता है, बाकी ये भी दिखा देंगे यहाँ से बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गेट कितना दूर है इस KMVN से। बिनसर 14, बागेश्वर बागनाथ मंदिर 56। जो ये डाना गोलू देवता है, ये चितई गोलू देवता से अलग है। उन गोलू देवता के 3 मुख्य मंदिर हैं। सबसे मेन है चितई गोलू देवता टेम्पल, जो जागेश्वर जाने में पड़ेगा, फिर है भोवाली के घोड़ा खाल में, और तीसरा है चंपावत में। और अभी हम चल रहे हैं कल्विस्ट गैराड गोलू धाम। ये सीधी रोड जा रही है बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये गैराड गोलू देवता। अभी हम चल रहे हैं गैराड गोलू देवता के। यहाँ के बारे में मंदिर पहुँच कर बताते हैं। ये हम आ गए हैं गोलू देवता मंदिर गैराड में, तो इसका नाम है गैराड गोलू देवता।
यहाँ हमारी गाड़ी पार्क है और ये पूरा जंगल एरिया है बिनसर का। बिनसर के जंगल के एकदम बीच में है दाना गोलू गैराड़ धाम। दाना गोलू देवता लगभग 300 वर्ष पूर्व जन्मे राम सिंह विष्ट के पुत्र हैं, जिनका नाम कल्याण सिंह विष्ट या कलविष्ट है। लोक देवता कलविष्ट को गौर भैरव का अवतार माना जाता है। वे पशुपालक थे तथा बिनसर के जंगल में भैंस चराते थे। वो असहायों और गरीबों के सहायक थे। उनकी वीरता के संबंध में कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन वो एक षड्यंत्र में भैंस के पैर से कांटा निकालते समय धोखे से मार दिए गए। जब जंगल में कलविष्ट को मारा गया था तो उनका सिर और धड़ अलग अलग स्थानों पर चले गए थे। उनके साथ उनकी भैंसें भी पीछे पीछे दौड़ पड़ी और उनके शरीर के पास भैंसों ने पत्थर का रूप ले लिया। कलविष्ट के दो प्रसिद्ध मंदिर हैं, जहाँ पे उनका सर गिरा कफड़ खान में, वहाँ पे उनका एक मंदिर है, और जहाँ उनका धड़ था वो स्थान गैराड़ मंदिर कहलाया, जहाँ पे अभी हम हैं। कफड़ खान मंदिर में उनके सिर और गैराड़ मंदिर में धड़ की पूजा होती है। मंदिर में जो दो चट्टाने हैं उनके बीच में गोलू देवता का शीर्षविहीन शरीर विद्यमान है। अपने पौरुष और न्यायकारी रूप के कारण कलविष्ट को लोक देवता की मान्यता मिली। कलविष्ट की मान्यता इस क्षेत्र में इतनी अधिक है कि समूचे इलाके में कलविष्ट को डाना गोलू कहा जाता है, अर्थात गोलू की तरह न्याय देने वाला। वे गोलू देवता की तरह ही न्यायकारी हैं तथा पीड़ित का पक्ष लेकर अन्यायकारी का दमन करते हैं। इस स्थान को अब कलविष्ट गैराड़ गोलू धाम के नाम से जाना जाता है। बिनसर क्षेत्र में अनेक परिवारों में कुल देवता इष्ट देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मंदिर के आसपास ही कई विशालकाय चट्टाने हैं जिनके विषय में कहा जाता है कि ये कलविष्ट की भैंसे हैं जो पत्थरों में बदल गई हैं। हमारी गाड़ी पे कुछ लोग बैठ गए आके, लग रहा है इनको भी हमारे साथ आगे जाना है। वो देखो, ए शीशे में बैठा हुआ है।
तो अभी हम डाना बोलू देवता के मंदिर से चल रहे हैं कसार देवी मंदिर, लेकिन रास्ते में बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गेट भी देख लेते हैं कितनी दूर है। ये है गराड़ गोलू देवता मंदिर का गेट, इसके लेफ्ट में है दीना पानी और कसार देवी जहाँ से हम आए हैं, और राइट में रोड जाती है बिनसर, तो वो हम देख के आते हैं बिनसर गेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। सामने आ गई है पोस्ट बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, बिनसर वन्य जीव विहार, जहाँ से ऊपर जाना होता है बिनसर के लिए। और ये रोड सीधे चली गई है बागेश्वर, बागेश्वर से आप अल्मोड़ा हो गए तो इस रोड से हो गए। अब हम वापस चलते हैं यहाँ से दीना पानी होके कसार देवी, और देखते हैं यहाँ से कितना समय लगता है। ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गेट, यहाँ से पास लेना पड़ता है और उसका पैसा पड़ता है। अभी अभी समय हो रहा है 12:28, तो देखते हैं यहाँ से दीना पानी की एम्बियन कितनी दूर है। ये आ गया गैराड़ गोलू देवता मंदिर का गेट जहाँ से अभी हम आए थे। अब यहाँ से चल रहे हैं दीना पानी की एम्बियन, रास्ता वही है कसार देवी का, दीना पानी से होके जाना है। जीवन है तो जल है, जल है तो जीवन है। सोमेश्वर विधानसभा, मृग विहार जू 10 किलोमीटर यहाँ जाना है हमें। तो ये हम फिर से आ गए हैं केम्बियन दीना पानी, 12:28 पे चले थे और 12:38 हो रहा है, तो यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है, यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गेट का। तो ये इसलिए मैंने देखा क्योंकि अगर जो बिनसर के अंदर के एम्बियन है, जो और भी होटल्स हैं, उनमें रात को लाइट नहीं आती है, जनरेटर से लाइट दी जाती है 3 या 4 घंटे के लिए। के एम्बियन में तो 3 घंटे के लिए दी जाती है, 6 बजे से 9 बजे तक। तो अगर किसी को ये इश्यू लगता है तो वो यहाँ रुक सकता है, तो इस वाले केम्बियन दीना पानी पे रुक सकता है, और तो यहाँ से 10 मिनट में आप पहुँच जाओगे बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गेट, और वहाँ से आप बिनसर के अंदर घूम के वापस फिर यहीं आ सकते हो। तो ये केम्बियन जो दीना पानी है, बाकी सारी फैसिलिटीज़ बिजली वगैरह के साथ में बिनसर के लिए बढ़िया रहेगा। ये पक्षी यहाँ से देखते हैं, एक तो मंदिर का गेट यहाँ से है, यहाँ से जा सकते हैं ऊपर, और एक मैप दिखा रहा है आगे से गाड़ी से, वो भी देखते हैं। ये रोड ऊपर जा रही है, ये गाड़ी से ऊपर जाने के लिए है। आगे मार्ग संगम, ऊपर एक लेडीज चली गई हैं, कुछ कर रही हैं। गौरी हेलो, ये गौरी आ चुकी है कसार देवी मंदिर, कसार देवी मंदिर आई है गौरी, और यहाँ से अभी जाएंगे हम ऊपर मंदिर देखने। ये इस रोड से हम आए हैं और यहाँ पे सब गाड़ियाँ लग जाती हैं जितनी अवेलेबिलिटी हो, सीजन में आएंगे तो हो सकता है दिक्कत हो, मैंने मेरी गाड़ी इधर लगा दी है और ये रास्ता गया हुआ है। अब हम चलेंगे कसार देवी के दर्शन करने,
इसके बाद हम अल्मोड़ा जू होते हुए जाएंगे जागेश्वर, लेकिन ये सब आप देखेंगे अगले एपिसोड में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल बैकपैकर ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।